सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49। पी क्यू आर तीन पार्टनर है फर्म के अंदर और 1 अप्रैल 2015 रिस्पेक्टिवली कैपिटल दे रखी है 40,000, 30,000 और ये 30,000, मतलब स्टार्टिंग की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। क्या वो कहता है एंटाइटल टू सैलरी, क्या वो को सैलरी मिलेगी कितनी 6,000 और आर को कितनी मिलेगी 4,000। पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कहता है प्रॉफिट बांटने से पहले आपने ही सैलरी देनी है, दे देंगे। कहता है इंटरेस्ट जो कैपिटल पे लगाना है वो देना है 5% पर एनम, दे देंगे। कहता है नोट चार्ज ऑन ड्रॉइंग, कहता है ड्रॉइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना नहीं करेंगे। ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो डिविजिबल यानी कि जो प्रॉफिट बच जाएगा सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटने के बाद, उसमें से क्या है पी को फर्स्ट 50% किसका 10,000 का और 30% किसको क्यू को और कितना 20% किसको आर को, ये रेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और रेस्ट ऑफ द जो प्रॉफिट रह जाएगा उसको हम क्या करेंगे इक्वली ट्रीट करेंगे। तो कहता है जो 10,000 का प्रॉफिट आएगा ना डिविजिबल, उसको आपने तीन पार्टों के अंदर डिवाइड करना है। एक को देना है 30% और एक को कितना देना है, ए को देना है 50% और सेकंड को कितना देना है 30% और आर को कितना देना है 20%। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये कितना चला जाएगा 5,000 यहाँ चला जाएगा, 3,000 यहाँ चला जाएगा और 2,000 यहाँ आ जाएगा, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, जो नेक्स्ट बैलेंस बचेगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने तीनों के बीच में, वो कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:1 में। ठीक है, कहता है प्रॉफिट दे रखा है हमारे को 31 मार्च 2016 का, कब दे रखा है ये आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी। कहता है पार्टनर की सैलरी काट दी, लेकिन पार्टनर की सैलरी कहाँ है अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, लेकिन आपने काट दी तो हम क्या करेंगे पहले इसको ऐड करेंगे। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया तो अच्छी बात है नहीं किया, और प्रॉफिट कितना दे दिया हमारे को 21,000, तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास 21,000। इसके अंदर ऐड क्या करेंगे हम, जो सैलरी है किसकी काट ली सभी पार्टनर की, कितनी सैलरी थी क्या वो को कितना देना था 6,000 और आर को कितना देना था 4,000, तो 10,000 की सैलरी काटने के बाद आप क्या आइए तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 31,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, पहले कितना था ये 21,000, ऐड क्या करेंगे इसमें सैलरी कितनी 10,000 और ये क्या हो जाएगा 31,000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, पार्टनर कहता है ड्रॉइंग करते हैं कितनी 10,000 ईच अकाउंट ऑफ सैलरी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो हर कोई कितने की ड्रॉइंग करता है 10,000 की ड्रॉइंग करता है। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉफिट को और उनके साथ में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। सबसे पहले तो हमारे को कैपिटल दी हुई है किसकी पी की क्यू की आर की, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी ब्रोट डाउन, कितनी कैपिटल है 40,000, नेक्स्ट कितनी है 30,000, नेक्स्ट कितनी है 30,000। ठीक है, उसके बाद क्या कहता था क्वेश्चन, कहता है सैलरी देनी है तो यहाँ क्या लिखेंगे टू सैलरी, किसको देनी है ये पी क्यू को और आर को, क्यू को देनी है और आर को देनी है, क्यू को कितनी देनी है 6,000। ठीक है, दे देंगे। आर को कितनी देनी है 4,000, तो आर को भी क्या दे देंगे 4,000, तो टोटल कितनी हो जाएगी 10,000 और ये इनके अकाउंट में डाल देंगे बाय सैलरी, किसको देनी है ये क्यू को और आर को देनी है, इसको देनी है 6,000 और इसको देनी है 4,000। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कहता है ठीक है यहाँ पे, उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5%, दे देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको देनी है पी को भी क्यू को भी और आर को भी, किस परसेंट से देना है, कहता है 5%, तो ये तो 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काट दो, ये कितना बन जाएगा 1%, लेकिन हमें कितना चाहिए 5%, तो फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा 5 को 4 से करोगे तो ये 2,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 3 को कितने से करोगे 5 से तो 1,500 हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है 30 है तो इसको भी 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा ये
1500 हो जाएगा, तो 3000 प्लस 2 5000 हो जाएगा आपका। यहाँ क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कितना है 2000, 1500, 1500, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ड्रॉइंग भी की है कितनी, 10,000 ईच पार्टनर, तो क्या लिखेंगे टू ड्रॉइंग, ठीक है, ड्रॉइंग कितनी की है पार्टनर ने, 10,000 ईच, तो 10,000, 10,000 और ये 10,000 इंटरेस्ट लगाना है। साफ क्वेश्चन ने मना किया था कि कोई इंटरेस्ट आपने चार्ज नहीं करना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसके एडजस्टमेंट हम देख लेते हैं, तो ये कितना आएगा 31,000, यहाँ भी कितना आएगा 31,000, और 31,000 में से आपने क्या माइनस करना है, माइनस क्या करोगे आप 15,000, 31,000 में से अगर आप 15,000 माइनस करते हो तो कितना बचता है, 31,000 में से अगर कितना माइनस करते हो 15,000, तो कितना बचता है 16,000 बचता है, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 16,000। यहाँ क्या लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट पी क्यू आर, कितना था ये 16,000, तो 10,000 तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, नेक्स्ट बैलेंस कितना बचा आपके पास 6,000, और 6,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1, तो ये कितना हो 3, 2000, 2000, 2000, तो ये कितना हो जाएगा 2000, 2000 और ये 2000, तो फर्स्ट के हिस्से में कितने हो गए 5 और 2 7, फर्स्ट के हिस्से में आ जाएंगे पी के हिस्से में 7,000, अगर क्यू की बात करें तो कितने आएंगे 3,000, 2,000, 5,000, ठीक है, नेक्स्ट सी के हिस्से में कितने आएंगे 2 और 2 4,000, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इनको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें, पोस्टिंग करें बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, कितना है ये 7,000, 5,000 और ये 4,000, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 30 और 4 34 और 4 38 और 1 39, तो ये कितना हो जाएगा 39,500, ठीक है, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 39,000 और ये 500, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 34,500, ठीक है, यहाँ कितना है 39,000, 10,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 29,500, नेक्स्ट अगर हम बात करें 30 और 6 36 और 5 41 41 और 1 42, तो ये कितना हो जाएगा 42,500, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 42,500, ठीक है, और इसमें से 10,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 32,500, नेक्स्ट कहता है 40 और 2 42 और 7 49, तो ये कितना हो जाएगा 49,000, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 49,000, और 49 में से 10 गई, ये कितना आ जाएगा 39,000, तो ऐसे ये 39,000, ये 32,500 और ये 29,500, ये क्या आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, नेक्स्ट टाइम ये बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, धन्यवाद।